भाई देख सकते हैं 500 रुपया हम सीधे लगा दिए हैं टाइगर की तरफ। ये टारगेट कैसे लगाया जाता है इसके बारे में फुल डिटेल बताने वाले हैं। गेम स्टार्ट हो चुका है 38,000, 34,000 A और 9। जैसे कि देख सकते हैं हम 500 रुपया दिए हैं, इंस्टेंट देख सकते हैं 475 रुपया टोटल मेरा अर्निंग हो चुका है। तीन पत्ती फन में बहुत बड़ा एक ऑफर आया है, चलिए यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर देखो भाई टोटल मेरा 9,478 रुपया टोटल हो चुका है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम के लिए 100 रुपया रिचार्ज करेंगे तो 100 रुपया आपको बोनस मिल जाता है, 200 रुपया रिचार्ज करेंगे तो 200 रुपया आपको बोनस मिल जाता है। प्रोफाइल पर जाना है, मोबाइल नंबर बाइंड कर देना है, मोबाइल नंबर देना है, तो पासपोर्ट देना है, OTP आता है उसे फिल कर देना है। 10 से 15 रुपया आपको बोनस मिल जाता है। अब यहाँ मेल बॉक्स पर जाना है और यहाँ पर देखिए पर्सनल मेल पर जाना है। अब यहाँ पर देखो भाई कैंसिल कैंसिल 2 बार लिखा है, कैसे हमको जो पेमेंट मेरा है रिटर्न हो चुका है, रिटर्न क्यों होता है इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। अब यहाँ देखो भाई लकी प्लेयर इवेंट इसमें ओके करना है, तो देखो 10 रुपया हमें बोनस मिल चुका है लाइव, जो भी दिखाते हैं आपके सामने दिखाते हैं 10 रुपये। इसी तरह 100 रुपया भी हम दिखाए हैं, आपको रिचार्ज कर लेना है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 1000 पर 20 रुपया मिल रहा है सीधे। यहाँ पर देख सकते हैं 2000 3000 5000 पर 150 रुपया, 8000 पर 280 रुपया। अगर 10000 करते हैं तो 400 रुपये मिलता है, 20000 करते हैं 900 रुपया, अगर 30000 करते हैं 1500 रुपया, अगर 50000 करते हैं तो 2750 रुपया, अगर 1 लाख रुपया करते हैं तो 6000 रुपया आपको बोनस देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये ऑफर जो है आप मजा ले सकते हैं पर डे। तो भाई चलिए यहाँ से आप देखो बहुत सारा मेरा यहाँ लकी प्लेयर का ऑप्शन आ चुका है, ये हम रिचार्ज किए पहले से इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं तो ये शो नहीं करेगा और इसका बोनस भी ज्यादा मिलेगा। 7 डे वाला ऑफर देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए कैसे खेलना है इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। तो ड्रैगन टायर गेम ओपन कर लेना है, इसके बाद हम आपको लास्ट में पेमेंट प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो वही यहाँ देखो किसी एकेडमी चॉइस कर लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ ड्रैगन 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 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओके करना है, यहाँ कितना हो चुका है 68 है, यहाँ 32 है, 46 है और 34 है। तो कितना बैलेंस में कितना आपको विनिंग होने वाला है इसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। कभी भी आपको अमाउंट रखना है तो भाई 2000 रुपये जरूर रख लेना है और स्टार्ट करना है 100 रुपये से लगाकर 50 रुपये से आप लगा सकते हैं, जितना आपका टारगेट है, लेकिन भाई 50 से 100 रुपये ही लगाना, ठीक है। अब देखो कैसे हम लगाते हैं, अब देखो यहाँ पर लगाते हैं सीधे टारगेट, ये अर्निंग होगा टाइगर, देखा टाइगर की तरफ ही आ रहे हैं। हम लगाए थे लेकिन नहीं लगा, इसीलिए हम समझ गए कि भाई ये टाइगर ही अर्निंग होगा। अब देखो कोई बात नहीं, हम जैसे टप से बोले ना तैसे टप से यहाँ पर देखो लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, टाइम भी देख सकते हैं कितना हो रहा है ना। तो भाई यहाँ पर देखो सीधे हम क्या करेंगे, सीधे लगाते हैं इस बार 50 रुपये लगाएंगे। ऐसे भी मेरा अगला बार अर्निंग हो ही गया था, हम डेली टारगेट रखते हैं 5 राउंड विनिंग करते हैं और डेली कट हो जाते हैं। गेम स्टार्ट 7 10, अगला बार 50 रुपया था, इस बार भी 50 रुपया, 100 रुपया टोटल मेरा अर्निंग हो जाता है अभी, ठीक है। ऐसे भी 500 रुपया हम अर्निंग कर ही चुके हैं। अब देखो 9000 रुपया का पहले एक सुबह एक पेमेंट लगा चुके हैं, वो हम दिखाए थे, ठीक है। अगर अभी होगा तो हम शायद अभी भी दिखाएंगे थोड़ा सा रुको। अब फिर से हम 50 रुपया लगाते हैं, 50 50 100 रुपया। अब इस तरह आपको टारगेट न करना है कि भाई हमको इतना लेके जाना है, इसी तरह। अब यहाँ पर आप पॉइंट भी आपको देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला नहीं अभी हटाते हैं वरना आप लोग सोचेंगे भाई। अब देखो भाई यहाँ पर जो है एल लग चुका है, अगर एल लग जाता है तो क्या करना है आपको, एक यहाँ पर जो है थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे कि एल लग गया तो उसका डबल कर देना है, फिर से अगर एल लग जाए तो डबल कर देना है, ठीक है। ये आपको टारगेट रखना है। अब देखो भाई यहाँ जो है 2 बार आया है टाइगर, 1 बार ड्रैगन, इस तरह का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सीधे लगाते हैं 50 का 100 रुपया, देख सकते हैं हम दे चुके हैं टाइगर की तरफ। गेम स्टार्ट 42,000, इधर 47,000, 3 और 2, तो देख सकते हैं 50 रुपया लॉस का है तो 100 रुपया लगाए, 50 रुपया लॉस का है तो 100 रुपया लगाए उसे लाने के लिए, तो मेरा डबल हो चुका है, 581 रुपया टोटल हो चुका है, देख सकते हैं। अब देखो भाई टोटल जो है आपको टारगेट रखना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह करके आराम से अर्निंग करना है, फिर से आपको लगाना है, फिर से वही से स्टार्ट करना है जहां से स्टार्ट किए हैं। अब ये हम नहीं बोलते कि भाई 100 रुपये से स्टार्ट किए हैं तो भाई 100 रुपये ही से लगाना पड़ेगा, 500 रुपये स्टार्ट किए तो 500 रुपये से लगाना पड़ेगा। 31,000, 63,000, तो देखो भाई यहाँ पर 63,860 रुपया है, फिर भी हम अर्निंग कर चुके हैं, ठीक है। टारगेट जो है टारगेट रखना पड़ता है भाई, यहाँ पर देखो पॉइंट भी देखो 57 है 43 है, फिर भी हम इधर ही लगा रहे हैं। टोटल मेरा कितना बैलेंस हो चुका है देख सकते हैं, टोटल हो चुका है 9628 रुपया टोटल हो चुका है। तो यहाँ से आप फिर से हम लगाएंगे, फिर से लगा देते हैं 50 रुपया
सॉरी, तो 50 रुपया हम देख सकते हैं लगा चुके 82,000। इस बार टाई हो चुका है, टाई में आपका पैसा देखो यहाँ 10 रुपया लगाते हैं टाई में तो भाई सीधे आपको 80 रुपया मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद यहाँ से तो भाई देखो चलिए पेमेंट प्रूफ हम आपको दिखाते हैं शायद है तो, यहाँ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, ये वही पेमेंट जो है हट चुका है इसका। आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑफर फिर से आ चुका है। अब देखो भाई पेमेंट कैसे लगाना है, पेमेंट लगाने के लिए बहुत आसान है। पेमेंट लगाने के लिए यहाँ पर देखो निकासी पर आपको ओके करना है, ओके करने के बाद सीधे यहाँ पर आप अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट पर विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आप सीधे यहाँ पर चाहते हैं कि भाई यूपीआई में लगाना है तो यूपीआई का ऑप्शन कभी कभी आ जाता है तो आप उस टाइम लगा सकते हैं, तब तक आपको पैसा होल्ड करके रखना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको कैसे रखना है तो चलिए यहाँ से हम बताएंगे कि बैंक अकाउंट भी आपको कैसे ये करना है। तो यहाँ पर देखो भाई सीधे क्या करना है, सीधे सेव का ऑप्शन है, यहाँ चाहे जितना रख सकते हैं, 0.24 पैसा हम रखे हैं छुपा के, भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ से चलिए यहाँ से कट करते हैं, निकासी पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत बंदा क्या करता है कि भाई हमको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो देखो प्लस बटन पर ओके करना है और यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर देना है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद अपना नाम भरना है, आईएफएससी कोड भरना है, एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है उसे फिल कर देना है और इसके बाद गेट स्टार्ट पर ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ओटीपी आएगा फिल कर देना है, इसी तरह यहाँ न्यू जब फिल करते हैं ये पुराने के लिए है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नया के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर भरना है, नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है, एक आईएफएससी कोड भरना है, इसके बाद आपको सेव कर देना है, सेव करने के बाद कट करना है और फिर से आना है यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरह आपको अमाउंट भरना है, यहाँ पर दे देते हैं 9,628 रुपया दे देते हैं, पूरा दे देंगे आज और कर देते हैं यहाँ पर कर देते हैं विड्रॉल। तो गाइस देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ से रिकॉर्ड पर चलते हैं और विड्रॉल पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो भाई पहले कैसे मेरा रिव्यू, यहाँ पर देखो पहले रिव्यूइंग जाता है, इसके बाद प्रोसेसिंग जाता है, इसके बाद इंस्टेंट पेमेंट मिल जाता है, पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं।